आखिर हमारे देश का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है? हमारा प्यारा भारत जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का डोमिनेट करता है, हर विदेशी कंपनी भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है क्योंकि हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर इसके बावजूद भी पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में 82nd पोजिशन में आता है हमारा प्यारा भारत, और बिना वीजा के सिर्फ 60 कंट्रीज में ही टूरिज्म के लिए जाया जा सकता है। और हमसे भी छोटे इकोनॉमी वाले देश हमसे भी ज्यादा कंट्रीज में विदाउट वीजा के विजिट कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 1, पासपोर्ट और वीजा क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट अपने नागरिकों को विदेश जाने के लिए इश्यू करती है। इस डॉक्यूमेंट से आपकी नेशनलिटी आइडेंटिफाई होती है और आप जिस देश के हैं उस देश का नागरिक होने का पहचान करती है। पासपोर्ट होल्डर को विदाउट वीजा घूमने के लिए अलाउ करती है। वीजा वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के हेल्प से आप उन कंट्रीज में घूमने जा सकते हो जिस कंट्री में आप पासपोर्ट के हेल्प से नहीं जा सकते। ये डॉक्यूमेंट के लिए आपको उस कंट्री में अप्लाई करना पड़ता है जिसमें आप जाना चाहते हो। चैप्टर 2, पासपोर्ट रैंकिंग डिसाइड कैसे होता है। आखिर कैसे डिसाइड होता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट वीक है और किस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग है। पासपोर्ट रैंकिंग में जापान एंड सिंगापुर का रैंक नंबर 1 है। ये देश के लोग 193 कंट्रीज में विदाउट वीजा विजिट करके वहाँ घूम सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मलेशिया, टर्की, वेनेजुएला जैसे स्मॉल इकोनॉमिक कंट्रीज भी पासपोर्ट रैंकिंग में हमारे देश से आगे हैं। हैन एंड पार्टनर्स यूके के एक पासपोर्ट रैंकिंग कंसल्टेंट है जो कि 18 सालों से पासपोर्ट रैंकिंग को निकाल रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा एनालाइज करके पासपोर्ट रैंकिंग निकालती है। चैप्टर 3, हैन एंड पार्टनर्स का डेटा क्या इतना इम्पोर्टेंट है? अगर देखा जाए तो हाँ, हैन एंड पार्टनर्स का डेटा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसी रैंकिंग पासपोर्ट रैंकिंग से काफी अलग है, क्योंकि इन सारे इंडेक्स का डेटा सब्जेक्टिव हो सकता है बट पासपोर्ट रैंकिंग ऑब्जेक्टिव होता है। हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर रैंक मिलता है कि कितने देश आपके ऊपर ट्रस्ट करके विदाउट वीजा आपको अपने देश में एंट्री देते हैं। नो वीजा एंट्री पे 1 पॉइंट दिया जाता है, वीजा बिफोर डिपार्चर आपको 0 पॉइंट दिया जाता है, वीजा या ई वीजा पर अप्लाई होने से मतलब वीजा ऑन अराइवल पर भी आपको 1 पॉइंट दिया जाता है। वीजा ऑन अराइवल का मतलब आप किसी अदर कंट्री में जाकर वहाँ के ही एयरपोर्ट से वीजा बनवा सकते हैं, इस पे भी हमें 1 पॉइंट मिल जाता है। चैप्टर 4, पासपोर्ट रैंकिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये रैंकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सीधे सीधे मोबिलिटी का क्लियर आईना है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के तहत इंडिया का 82nd रैंक विथ वीजा फ्री एंट्री 60 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया 187 कंट्रीज, कनाडा 186 कंट्रीज, यूएसए 178 कंट्रीज। ओके, आई विल फाइंड, ये सब डेवलप्ड देश है, इनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा अच्छी है। चलिए हमारे ब्रिक्स के देश ही ले लेते हैं। ब्राजील 170 कंट्रीज, रशिया 118 कंट्रीज, चाइना 81st कंट्रीज, साउथ अफ्रीका किस एंगल से एक अच्छी इकोनॉमी वाला देश है पर फिर भी 106 कंट्री विजिट विदाउट वीजा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज से हम स्ट्रॉन्ग है बट अर्जेंटीना जिसका इन्फ्लेशन सबसे हाई है इसके बावजूद भी 178 कंट्रीज विजिट। वेनेजुएला में काफी समय से क्राइसिस चल रहा है बट इसके बावजूद 128 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है। ये डिसीजन होता है मेजर 3 फैक्टर के थ्रू। फर्स्ट, इकोनॉमी। किसी अमीर देश का नागरिक टूरिस्ट बनकर घूमने जाता है और वहाँ रह जाता है, इनलीगल इमिग्रेंट बन जाता है और पासपोर्ट के नियम का उल्लंघन करता है तो इससे इकोनॉमिकली पासपोर्ट पर असर होता है। सेकेंड, डिप्लोमेसी। दो देशों का मेलजोल कैसा है, उनमें कल्चर कैसा है, क्या वहाँ का रिलीजन सेम है, उनमें कितने बातें सिमिलर है, ये सिमिलरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट रैंकिंग के लिए। थर्ड, स्टेबिलिटी। अगर किसी देश का इंटरनेशनल प्रिजिप्शन खराब है या उस देश में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं तो उस देश का पासपोर्ट रैंकिंग स्कोर खराब हो जाता है। साउथ सूडान में सिविल वॉर्स चल रहे हैं, इस वॉर से भी भारत पर भी असर होता है। फ्रेजिलिटी स्कोर के हिसाब से भारत एक वार्निंग जोन है और यहाँ कभी भी वॉर हो सकता है। चैप्टर 6, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें दुनिया को बताना होगा कि हम स्लमडॉग वाले देश नहीं बल्कि दुनिया के थर्ड मोस्ट मिलियनर वाले देश हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा भारत कितना सेफ है और ये हम करेंगे कैसे, डेटा के जरिए।
2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत ने अपने टूरिस्ट सेक्टर पर $12.7 बिलियन खर्च किए। पूरी दुनिया रिसेशन की चपेट में है, पर भारत अभी तक रिसेशन से बचा हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। अपने पासपोर्ट रैंकिंग को इम्प्रूव करना हम UAE से सीख सकते हैं। UAE 2006 में 61st रैंक पर था और 2020 तक अपना रैंक इम्प्रूव करके वो 13th रैंक पर पहुंच गया। कैसे? UAE के गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट फोर्स गठन किया जिसका नाम था टू पुट्स UAE पासपोर्ट रैंकिंग द टॉप 5 इम्प्रूव्स चैप्टर 7। तो इसमें हमारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह कोई जिम्मेदार नहीं है। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना हमारा गवर्नमेंट। ये जिम्मेदारी दो तरह से, सरकारी और खुद के लेवल पर। खुद के लेवल पर बात करें तो हम जब ट्रैवल करते हैं फॉर ट्रैवल टू इंडिया, हम अपने साथ कुछ बुरी आदतों को भी हमारे साथ ले जाते हैं, जैसे लाइन ब्रेक करना, रास्ते पर कचरा करना, गुटखा थूकना या फिर लाउडली बात करना। ये बातें छोटी जरूर है, बट हम भूल जाते हैं कि किसी और देश घूमने जा रहे हैं तो हम अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहे हैं, पूरे देश का आईना बनकर जा रहे हैं। टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग रेगुलेशन को तोड़कर वहाँ रह जाते हैं, स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर देते हैं और कंपनी वीजा फ्रॉड करती है। ये सब रीजन भी उतना ही मायने रखता है पासपोर्ट रैंकिंग के लिए। हमारे बनाए हुए इन्फॉर्मेशन को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।